हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम दो टैग के बारे में बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं, जो कि है एक हेडिंग टैग, दूसरा है पी टैग, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ओके, तो चलिए वीएस कोड ओपन करते हैं एंड इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वीएस कोड के अंदर, यहाँ पे फाइल बनाना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ सो दैट ये वाला अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट मैंने कल के दिन में आपको बताया था, आपको सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क देना है एंड इंटर पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा। पिछले वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, सो दैट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज में भी एंड आपके वेब डेवलपमेंट कैरियर में भी। ओके, सो उसको बहुत ध्यान से देखिए, आई बटन पे वो वीडियो को मैं डाल दिया हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा जो टैग है ऑटो जनरेट हो चुका है। तो इसको अभी ओपन करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। ये भी मैंने बताया है कि लाइव सर्वर का जो एक्सटेंशन है वो आपको हेल्प करता है, ये वाला जो हम डायरेक्टली लोड करें अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर, जिसको हमको एक्सटेंशन से डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ पे क्लिक करके। ओके, सो जैसे ही आपका ये वाला ओपन हो जाए, इसके बाद हम जैसे बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सारा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर मैं आता हूँ, H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, सिमिलरली H6 तक है, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स। तो पहले मैं H1 लिख के बताता हूँ। अभी H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी, शॉर्टकट याद रखिए सब, H5 एंड H6। तो आप देख सकते हैं ये जितना सब टैग्स है वो अपने आप नीचे नीचे ऑर्डर वाइज में आ गया है, सारा का सारा टैग्स। ओके, तो ये जो सारा का सारा टैग्स मेरा आया, मेरा ऑटोमेटिकली ये वाला भी मैंने लिख लिया, बट आपके केस में वो वाला मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप इसको एंडिंग एंड इसका क्लोजिंग टैग को ध्यान से देखिएगा। ओके, वो किस लिए होता है एंड डायरेक्ट मेरा कैसे हो जा रहा है, उसके लिए एक एक्सटेंशन है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर आपको अभी करना है तो आप कर सकते हैं एक्सटेंशन जाके ऑटो कंप्लीट टैग। ओके, उसको आप करने से ये आपका हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए देखिए हमने क्या किया, हर एक हेडिंग टैग का H1 से अगर मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका एंडिंग भी मैं H1 से कर रहा हूँ, सिमिलरली H2 भी वही, H3 वही, मैंने H6 तक लिखा। तो ये जो मैंने लिखा तो इसका एक्चुअली आ रहा है क्या आउटपुट, वो भी देखिए। H1 जब मैं लिखता हूँ तो वो मुझे कुछ बड़ा फॉन्ट में देता है, H2 और थोड़ा छोटा करता है, H3 और थोड़ा, सिमिलरली जब H6 मैं देखूँ तो पूरा ही छोटा कर देता है। हेडिंग टैग का मतलब यही है, वो हमारे टैग को छोटा से बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेडिंग टैग यूज करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, पहले से बोल्ड में होता है। जबकि अगर मैं पैराग्राफ टैग का बात करूं, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग, जिसको हम स्टार्ट करते हैं पी से एंड एंड भी करते हैं पी टैग से। ओके, एंड इसके अंदर में मैं कुछ भी लिखूं तो वो होता है मेरा पैराग्राफ। जैसे कि अब अभी अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे कि अभिषेक नायक, अब मैं लिखा हूँ, ऊपर मैंने लिखा है नीचे भी लिखा, तो अभी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है इनका एक ऑर्डर था, ये बोल्ड में थे, लेकिन ये जो मैं लिखा हूँ ये कोई बोल्ड नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखिए ये वाला जो है ये बोल्ड नहीं है, बट ये सारे के सारे बोल्ड में है। एंड पैराग्राफ टैग का एक खासियत ये होता है कि सारे के सारे पैराग्राफ टैग जो होते हैं उनका साइज सेम ही रहता है जब तक हम उसको चेंज ना करें। बट हेडिंग टैग्स का ये जो, अगर H1 को मैं दो बार लिखूं तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन H1 एंड H2 का साइज हमेशा डिफर, H2 एंड H3 का साइज हमेशा डिफरेंस रहेगा। अब बात करते हैं लॉरेम। तो एक्चुअली लॉरेम होता क्या है, बहुत जगह हमने सुना है लॉरेम, जो कि कोडिंग के वर्ल्ड में है तो उन्होंने बहुत जगह सुना है, लेकिन एक्चुअली ये लॉरेम होता क्या है, असल में वो चीज कॉन्सेप्चुअली कभी देखा नहीं है। तो लॉरेम क्या करता है, ऑटो जनरेट में हेल्प करता है आपका, कोई भी चीज हो सकता है उसको ऑटो जनरेटिंग में हेल्प करता है। अगर मैं, ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ डमी टेक्स्ट डालने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो बात तो ठीक है, लेकिन 100 वर्ड्स लिखेगा कौन। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉरेम लिख सकता हूँ, लॉरेम यहाँ पे मैंने 100 लिखा, मैंने क्या लिखा लॉरेम, उसके बाद 100। स्पेलिंग हमेशा ठीक करना, अब जब मैं एंटर पे क्लिक करूं तो ये मुझे क्या करता है, आप देखिए 100 वर्ड ऑटोमेटिकली 100 वर्ड्स वो मुझे जनरेट करके दे देता है, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ा एंड उसने मुझे 100 वर्ड्स यहाँ पे दे दिया।
जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो चीज हो रहा है तो ये लॉरेम के माध्यम से हो रहा है। हम अगर लॉरेम लिखते हैं उसके बाद अगर कुछ भी नंबर टाइप करते हैं वो इतना हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। अगर मैं खाली लॉरेम लिखूं और कुछ नहीं लिखूं तो वो 34 वर्ड्स हमें देता है। अगर बिना कोई नंबर का लिखूं तो 34, अगर मुझे कम चाहिए मैं और एक पी टैग बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम 5, तो मैं 5 लिखा तो ये मुझे इतना ही वर्ड देगा। ये देखिए इसने मुझे 5 दिया, इसमें मैंने नंबर नहीं दिया था कुछ भी, तो इसने 34 दिया। यहाँ पे मैंने 100 लिखा था तो उसने 100 दिया। सिमिलरली हम कोई भी पैराग्राफ एंड हेडिंग लिख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको ये दोनों टैग के बारे में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों टैग यूज कैसे होते हैं HTML में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm sorry.